यह सारी चीज मनोरंजन पर्पस से किया जा रहा है, कृपया इसे अन्यथा में ना ले। अंजना जी, अभी अभी सूत्रों से पता चला है कि यहाँ पे लोगों की प्रक्रिया लिया गया है, तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा 25 मंजिला बिल्डिंग हुआ करता था, जो कि अभी देख सकते हैं कि आप कोहरा से लुप्त हो चुका है। तो इसमें भी विपक्ष सरकार को घेरे हुए हैं कि बिल्डिंग कहाँ गई, बिल्डिंग के लोगों कहाँ गए। अभी पूरा परेशान है, पूरा विपक्ष एक तरफ हो गया है, सरकार को घेरे हुए है कि बिल्डिंग को कैसे गायब कर दिया, इस बिल्डिंग के लिए कितना वो आ रहे हैं लोग कहाँ कहाँ से आ जा रहे हैं, सबको फ्लाइट पकड़ के आ रहा है इस बिल्डिंग को देखने के लिए। और संवेदनाशील के साथ इस बिल्डिंग वाले लोग के साथ पूरा विपक्ष मिली हुई है। बताइए आप, कोहरा की वजह से सरकार को भी निंदा किया जा रहा है और सरकार गिराने की बात की जा रही है। तो अंजना जी, आपकी ये हमारा चैनल बहुत ही एक्सक्लूसिव न्यूज लाया है। मैं अपने कैमरामैन प्रकाश को बोलूंगा कि जरा इस कोहरे पे प्रकाश डाले। सही में देखिए, यहाँ पे बिल्डिंग दिख नहीं रही है, तो आप देख सकती हैं जैसे कि अंजना जी यहाँ पे आप कैसे, अब विपक्ष को बोलने का मौका मिल गया है, सरकार को घेरने का मौका मिल गया, क्योंकि बिल्डिंग यहाँ जो थी पहले जो दिख नहीं रही है। आप प्लीज, आप फिर से एक बार प्रकाश को मैं बोलूंगा कि जूम करके दिखाएं इन्हें जो वहाँ पे 25 मंजिला बिल्डिंग हुआ करती थी, और अभी देखिए फिर से ये गायब हो गई है। विपक्ष का कहना है कि ये सरकार का हाथ है इसके पीछे बिल्डिंग को गायब करने के लिए। तो आप अब देख सकती हैं कि ये हमारा चैनल जो है सबसे पहले यहाँ तक पहुँचा, हमारा भी चैनल इस बिल्डिंग को ढूंढने में तलाश कर रहा। हाँ अंजना जी, अभी भी सूत्रों से पता चला है कि सुबह में जो विपक्ष ने सरकार को जिस बात के लिए घेरा था, अभी अभी कोहरा फट चुका है और आप देख सकती हैं कि वहाँ जो बिल्डिंग कोहरा में लुप्त हो चुका था उसमें अब जनजीवन फूल फल रहा है। अब मैं कैमरामैन से प्रकाश को बोलूँगा कि वहाँ जो लोगों हैं और लोगों की जो कपड़े चद्दर और पसारे हुए हैं जो उस पर फोकस करें, ताकि विपक्ष तक ये बात पहुँचे और उन्हें पता चले कि यहाँ पे कोई लुप्त नहीं हुआ था। ये हरियाली भरी हुई है, यहाँ पे फल फूल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कपड़े पसारे हुए हैं। जैसे कि आप, मैं अपने कैमरामैन प्रकाश को बोलूँगा कि एक बार उधर प्रकाश डाल दें। हाँ, तो जैसे कि देख रहे हैं अभी भी यहाँ पे हरियाली छाई हुई है, कुछ लोग तो अभी अपने अपना दूरबीन निकाल करके अपने काम पे लगे हैं। तो यातायात जीवन जैसे था वैसे सड़क पे चलने लगा है अंजना जी, तो आप हमें भी अलविदा कीजिए, धन्यवाद, शुक्रिया। अब हम भी जा रहे हैं अपने हरियाली। दूरबीन कहाँ है मेरा? दूरबीन लेके आओ भाई, काम पे लगना है। हेलो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। अरे यार, दूरबीन अभी तक तुमको मिला नहीं, रुक आ रहे हैं।